हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूं वापस आपको मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइफलाइन पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि पार्ट ए का सोल्यूशन मेरा डिस्कस करना पेंडिंग था, पार्ट बी का सोल्यूशन मैं डिस्कस कर चुका था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग विद पार्ट ए, और जो पेपर कोड है दैट इज 67 नंबर 2 एंड 1, ये वाला मेरा पेपर कोड है। आप लोग देख सकते हैं कैमरे पे, दिस इज माई पेपर कोड एंड दिस वुड पेपर हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं वन बाय वन, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो होल्ड अ पेपर विद यू, ताकि आप लोग सारा मैं क्विक वे में ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं पूरे पेपर का, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो है दैट इज पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अपीयरिंग ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है ना। तो हमको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अपीयरिंग ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन में नहीं डालते हैं, सिंपल एंट्री हो जाएगी क्योंकि आपका पार्टनर्स लोन असेट साइड में आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है ना। हियर द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। देन सेकंड, a new partner acquire two main rights in the partnership which he join, state one of these right, ठीक है ना। तो अब जब वो join करेगा तो obviously बात है, he would be paying money towards capital and goodwill, तो he would be sharing the right। ये मैंने मेरे जो accounts का मैंने important question का video दिया था उसमें भी question बताया था, this is important। तो he be right to share asset, right to share future profits of the firm, this is the basic right of the firm। इसमें कुछ भी आप point लिख सकते हो, ठीक है ना, और भी इसमें point हो सकते हैं, you can this is inclusive answer, ठीक है। How does the nature of business affect the value of goodwill of the firm? तो नेचर ऑफ द बिजनेस, मान लो प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है जिसकी डिमांड बहुत हाई है, ठीक है ना, और सप्लाई बहुत शॉर्ट है, तो डेफिनेट सी बात है उस केस में आपका फर्म का गुडविल का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इफ द प्रोडक्ट इज सच दैट हुज डिमांड इज क्वाइट हाई एंड demand is quite high and supply is quite short, then definitely the value of goodwill of the firm will increase, ठीक है ना। Then next हमको given है कि state the main aim of NPO। अब NPO के main aim क्या है, इसमें भी एक inclusive answer मैं बता रहा हूँ, it can be to promote charity, to promote social welfare, not non-profit organization है तो, और कुछ भी मतलब to promote healthy living of the people, anything आप इसके अंदर कुछ भी answer mention कर सकते हो, तो इसके अंदर कोई restricted answer नहीं है, ठीक है ना। Next, अगर मैं बोलता हूँ how is life membership fee treated while preparing the financial statement of NPO, तो life membership fee का treatment क्या होता है, तो ये ध्यान रखना life membership fee is a one time payment made by a person for entering the NPO, ठीक है ना। तो life membership fee capitalized की जाती है and is not shown under income and expenditure, इसको capital fund के अंदर add किया जाता है in balance sheet, ठीक है ना। तो this is the treatment of life membership fee in case of NPO। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसके अंदर कैसे डिस्कशन किया, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है किया एंड लीला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, किरण वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड बॉट इन 24,000 एज अ गुडविल शेयर प्रीमियम दैट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ किया एंड लीला रेस्पेक्टिवली एज 18 एंड 6। अब यहां पे रिमेंबर स्टूडेंट्स वन थिंग, आपको गिवन है 24,000 जो गुडविल लेकर आया वो क्रेडिट हो गया 18 और 6 में, मतलब आपका 18:6 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं वो रेशियो निकालता हूं 3:1 सैक्रिफाइसिंग है, और 3:1 सैक्रिफाइसिंग है तो उसने एडमिट कितने के लिए किया, हमने 1/5 के लिए, तो इस 1/5 में ऑब्वियसली बात है किया ने कितना दिया होगा, 1/5 तो उसको देना है हमको, तो 1/5 का 3/4 इसने दिया होगा, 3/20, और 1/5 का 1/4 सेकंड वाले पार्टनर ने दिया है, तो अब बचा कितना 3:2 इनका न्यू रेशियो था, तो 3/5 ओल्ड रेशियो, सॉरी 3:2 था, तो इतना दे दिया, तो 3/5 माइनस 3/20, तो इसको शॉर्ट करते हो 9/20 आता है, 2/5 माइनस 1/20 तो हमारा 7/20 आता है, और 1/5 को अगर हम बेस सेम कर ले तो 4/20, तो हमारा नया रेशियो आता है 9:7:4, तो इसके अंदर जो योर न्यू रेशियो वुड बी 9:7:4, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, अब 5th क्वेश्चन जो है दैट इज दिनकर नविता एंड वनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। हमको गिवन है दिनकर नविता एंड वनी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो गिवन है 3:2:1। नविता डाइड ऑन 30th जून 2017, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हिच वर ₹6 लाख, द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10%
10% on sale. Firm book close करती है 31st मार्च को, calculate Navita share of profit. Quite easy question है. आपको net profit ratio already given है 10% और हमको जो period में जिस period में मतलब current year से लेकर जिस period में उसकी death हुई उसका sale given है 6 lakh. तो simple 6 lakh का 10% करोगे 60,000 आ जाएगा और 60,000 में जो Navita का share होगा that would be 60,000 into 2 upon 6. तो आपका जो answer होगा that would be like this 60,000 into 2 upon 6 आपका answer आ जाएगा that would be 20,000. तो एंट्री हो जाएगी सिंपल P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नविता'स कैपिटल अकाउंट. इसमें एंट्री की रीड नहीं है, सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो एंट्री नहीं करी तब भी सही है वो चीज, ठीक है ना. नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग शेयर अलॉट करते हैं टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, अलॉटिंग द शेयर टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पर्सन और टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. रिजर्व कैपिटल, तो रिजर्व कैपिटल इज अ कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी वाइंड अप होती है तो दैट कैपिटल इज नोन एज रिजर्व कैपिटल, ठीक है ना. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 7th. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज 80,000 एंड द एनआरआर इज 10%. इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपी 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, ठीक है ना. तो हमको एवरेज प्रॉफिट गिवन है 80,000, एनआरआर गिवन है 10%, गुडविल का ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. तो हमको बताया गुडविल किसके बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर. तो 1 लाख इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 4, तो आपका सुपर प्रॉफिट 25,000 आ जाएगा. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल. अब अगर मैं कहता हूं एवरेज में बस 80,000 है, सुपर प्रॉफिट 25,000 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 आएगा. और नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. तो मैं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 5,50,000. मतलब इसका जो आंसर है दैट इज 5,50,000 इसका आंसर है, ठीक है ना. नाउ अब देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे सामने दो ऑप्शन है, यूजेट लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ईएलके मशीन लिमिटेड फॉर ₹6,90,000. ईएलके लिमिटेड वाज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट ऑफ ₹90,000 पेएबल आफ्टर 3 मंथ एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 20%. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ यूजेट लिमिटेड, ठीक है. तो अब हमने क्या किया, हमने एक तो पेमेंट कैसे किया, टोटल परचेज 690 का है तो हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ईएल के 6,90,000 की एंट्री डाल दी. अब पेमेंट कैसे किया, एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट, हमने उसको एक ड्राफ्ट दिया 90,000 का पेएबल आफ्टर 3 मंथ, जिसका पेमेंट 3 महीने बाद करना है, ठीक है ना. तो सिंपल जो ड्राफ्ट किया दैट इज ईएलके लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000. इसमें अगर बिल पेएबल भी करा तो दैट कैन बी अगेन करेक्ट क्योंकि 3 महीने बाद पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना. एंड बैंक भी सही है और बिल पेएबल भी सही लग रहा है, ठीक है ना. एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6%. अब हमको जो नेट पेमेंट करना था 6 लाख का पेमेंट और करना था और ₹100 का डिबेंचर है इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 20, मतलब ₹80 इशू प्राइस है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर 7,50,000 इशू किया. तो ईएलके लिमिटेड 6 लाख, डिस्काउंट आपका ₹1.5 लाख का हुआ टू 6% डिबेंचर 7,50,000. ये तो इसके फर्स्ट पार्ट की एंट्री होगी. सेकंड पार्ट बोल रहा है जेड लिमिटेड इशूड ₹4 लाख, 9% डिबेंचर ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ जेड के लिमिटेड. मैं डायरेक्टली डिस्कस कर लेता हूं, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये तो. तो इसमें सिंपल आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 4 लाख के डिबेंचर इशू किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% और रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो 4 लाख माइनस 5% मतलब आपके पास नेट अमाउंट आया 3,80,000. तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 380. फिर नेक्स्ट जो होगा दैट वुड बी अगेन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3,80,000. आप अगर नेक्स्ट लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तो लॉस आपका टोटल 60,000 का होगा. ₹20,000 का तो डिस्काउंट आपने पहले दिया वो और 4 लाख के ऊपर 10% ₹40,000 का, तो टोटल लॉस 60,000 का हो गया. टू 5 आफ्टर टू 9% डिबेंचर ₹4 लाख एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 40,000, ठीक है ना. तो ये आंसर आपके सेकंड पार्ट का हो जाएगा 8th वाले का. नाउ अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th, उसमें क्वेश्चन है विलो लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है. द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक आउट ऑफ व्हिच 75,000 वर सब्सक्राइब्ड. ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर ऑन 3,000 शेयर. फिल इन द मिसिंग फिगर इन द शीट ऑफ विलो, बैलेंस शीट ऑफ विलो लिमिटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो हमारा टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर है
10 each. First में आप fill करोगे 1 lakh share of rupee 10 each 10 lakh. हमने issue किया public को 80,000 share of 10 each. Amount आया 8 lakh rupees. अब हमारा subscribe capital position क्या है? Subscribe and fully paid up. मतलब ऐसे share जो subscribe भी कर दिया और fully paid up है. तो वो 72,000 share है 10 each. That is 7,20,000. 75 में से 3,000, 80 में 75 subscribe किया. Fully paid up 72,000 share 10 का 7,20,000 और not fully paid up है 3,000 share of rupee 10 each. Inner column में लेगा 30,000. Call नहीं रहे 3,000 share पे 2 रुपए का है. Less किया 6,000. इन दोनों को add किया. Amount आया 7,44,000. ये आपका fill in the blanks वाला format रहेगा. तो अब नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th. जनता कल्याण क्लब हैज 1250 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपी 150. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च द क्लब डिड नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 45 मेंबर एंड रिसीव सब्सक्रिप्शन एडवांस फ्रॉम 46 मेंबर फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019. ऑन 31st मार्च 2017 द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज 15,000 एंड रिसीव इन एडवांस वाज 3,000. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट. अब यहां पे ध्यान रखना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का निकालना है फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2018. ठीक है ना. तो अब अगर हम निकालते हैं तो क्या गिवन है. जनता कल्याण क्लब के 1250 मेंबर है. एनुअल सब्सक्रिप्शन 150 है. हमको जो एडवांस में मिला है अगले साल का वो हमने ऐड कर दिया क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाना है तो कैश बेसिस पे जाना पड़ेगा. हमको जो रिसीव नहीं हुआ तो हमने वो लेस कर दिया. पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल हमको रिसीव हो जाएगा ऐड कर दिया. और पिछले साल हमको ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका था तो वो हमने उसको लेस कर दिया क्योंकि वो इस वाले अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगा. तो अमाउंट आएगा 199,650. तो ये अमाउंट हम लोग शो करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. ठीक है ना. नाउ तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11th है दैट इज हरी कुणाल एंड उमर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. फ्रॉम 1st अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:5:3. देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन पीएनएल अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल का वैल्यू 3 लाख है. इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है उसको वैल्यू 35 पे करना है. स्टॉक जिसका बुक वैल्यू 50,000 है उसको 10% डिप्रिशिएट करना है. हमको जर्नल एंट्री करनी है तो सारी एंट्री मैंने स्प्लिट कर दी है. पहले हम लोग ऑब्वियसली होता है चेंज इन रेशियो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे. एच तो दो ही पार्टनर गेन हो रहा है. के और यू को तो गेन हो रहा है और एच को सैक्रिफाइस हो रहा है. ठीक है ना. तो अब अगर सिंपल सी बात है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद जो प्रॉफिट है दैट इज 75,000 इसको हम लोग क्या कर रहे हैं. इसको हम लोग पुराने रेशियो में एडजस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो सिंपल पीएनएल टू एच टू के टू यू ये पुराने रेशियो में एडजस्ट कर दिया. नरेशन में नहीं लिख रहा हूं. नेक्स्ट गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा. यहां पे गेन के और यू कर रहे हैं तो वो दोनों मिलकर के एच को कंपनसेट कर देंगे. ठीक है ना. तो इट इज के यू टू एच 60,000 30,000 90,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 रुपए का है और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है बुक वैल्यू 50,000 है उनका मार्केट वैल्यू 35,000 है. तो अपना आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से हमने इन्वेस्टमेंट को चार्ज कर दिया 15,000. देन अब इसमें और कुछ नहीं करना एंट्री. अपने को बोल रहा है स्टॉक को डिप्रिशिएट करना है 10% से बुक वैल्यू 50,000 है. तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक हमने 5,000 की एंट्री करी और एच के यू टू रिवैल्यूएशन 5,000. ठीक है ना. तो ये अब जो नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th. मीरा सार्थक एंड रोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1. ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट वाज इनका बैलेंस शीट गिवन है. सार्थक डाइड ऑन 15 जून मतलब 2.5 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है और अकॉर्डिंग टू डीड इज वर एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. तो बैलेंस उसका कैपिटल अकाउंट का मिल रहा है उसको. देन शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर. तो आप जो गुडविल कैलकुलेट करोगे इस केस में योर वैल्यू ऑफ गुडविल वुड बी आपने गुडविल निकाला 6 लाख वुड बी वैल्यू ऑफ गुडविल जिसमें सार्थक का शेयर होगा 6 लाख × 2/5 दैट इज 2,40,000. ठीक है ना. अच्छा उसके बाद हमको गिवन है तो 2,40,000 ये दोनों पार्टनर मिलके कंपनसेट कर देंगे इन द इन देयर गेनिंग रेशियो. ठीक है ना. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर द टाइम पीरियड फॉर व्हिच ही सर्वाइव इन द ईयर विल कैलकुलेटेड इन मंथ्स. ठीक है ना. 2.5 मंथ्स तक हमको कैलकुलेट करना है. तो आपका जो एवरेज है दैट इज 2,40,000 है. ठीक है ना. और प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ आएगा 240/12 × 2.5 तो 50,000 आता है टिल डेट ऑफ डेथ और उसमें उसका जो शेयर है दैट इज 2/5 तो 2.5 मंथ्स के हिसाब से हमने इसका शेयर कैलकुलेट कर लिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2.5 महीने का कैलकुलेट होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी 8,750 ऑन 3,50,000. ठीक है ना. इन सबको ऐड किया तो उसके एग्जीक्यूटर को टोटल अमाउंट मिलना चाहिए 658,750. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12th.
तो अब जो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जेम्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है ना। अब अपने को रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 के लिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन का मैंने कैलकुलेशन ब्रीफ फॉर्म में आपको यहाँ बता रखा है 3,20,015, तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट 3,05,000 आ जाएगा। रेंट के अंदर हमको अक्रूड आगे अनपेड रेंट है सैलरी का, तो सैलरी जो अनपेड है वो मैंने इसमें ऐड करके शो कर दिया। रेंट रिसीवेबल 2,000 है वो मैंने इसमें शो कर दिया ऐड करके। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट के अंदर अगस्त से लेकर हमको मार्च तक का मतलब अराउंड 8 मंथ्स का शायद 8 मंथ्स आएगा जिसका इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो टोटल 4,000 आता है। 2,400 में अक्रूड इंटरेस्ट कर दिया, 4,000 डोनेशन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इन सबका कैलकुलेशन किया तो सरप्लस आ रहा है 246,100, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। इसमें कुछ स्टूडेंट को एक जरूर प्रॉब्लम हुई थी कि हमको सर इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, रियलाइजेशन नहीं दिया, ठीक है ना। मैं मानता हूँ ये उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कम है। क्वेश्चन ठीक है, मैं मान रहा हूँ बोर्ड का मिस्टेक है, बट क्वेश्चन को पढ़ के हमको क्वाइट रिलेवेंट हो रहा है, ये एक नॉर्मल प्रिंटिंग मिस्टेक है। एनीवे बोर्ड इसका क्या करता है हमको नहीं पता, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है और वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आशीष एंड कन्नव पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, उनका बैलेंस शीट गिवन है हमको, ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना। तो पहले नॉर्मल मैंने सारे सन्ड्री एसेट को क्लोज कर दिया इस तरह से, और लायबिलिटी में क्रेडिटर क्लोज किया, ईपीएफ क्लोज किया, मिसेस ए लोन क्लोज किया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्लोज किया है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद हमको गिवन है जो भी एडजस्टमेंट है फर्नीचर का इतना लेकर गया, ये आप लोग पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये एंटायर सॉल्यूशन है, इसमें जरूर ईपीएफ को लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्रेडिटर्स को हमको पे करना होता है इवन इफ दे हैव इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह जो फर्नीचर लेकर गया वो सारा एडजस्टमेंट मैंने करके पूरा कैलकुलेट करके फाइनल रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है 20,020, और जिसको हमने शेयर कर दिया इन दोनों में, दैट इज 12012 एंड 8008, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 है, नवीन कादिर एंड राजेश आर पार्टनर्स, इनका इसका पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में रीड नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये पूरा सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं इसका एक सिंपल आंसर बना रहा हूं, मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, इसमें हमको एनालिटिकल टेबल 2 सालों की अलग अलग बनानी पड़ेगी हमको, ठीक है ना। यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट एनालिटिकल टेबल फॉर 2017 और 2018, क्योंकि दोनों ईयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप जब 2 साल की एनालिटिकल टेबल बनाओगे तो फाइनल जो नेट एंट्री आएगी दोनों सालों की दैट वुड बी लाइक दिस, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,800 टू कादिर कैपिटल अकाउंट 10,000 टू नवीन कैपिटल अकाउंट 7,800, दिस एंट्री वुड बी डिराइव आफ्टर प्रिपेयरिंग एनालिटिकल टेबल फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का जो एक और ऑप्शन है दैट इज कैपिटल ऑफ अबीर बॉबी एंड विनीत, इसके अंदर पहले हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, और ओपनिंग कैपिटल निकालना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करोगे। यहां इंटरेस्टिंगली एक पॉइंट है कि हमारे पास प्रॉफिट 150 है, ठीक है ना। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट्स आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा फाइनल एनालिटिकल टेबल का जो आंसर आएगा मैं डायरेक्टली लिख लिया है मैंने, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू वीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। दिस वुड बी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब कंपनी का जो क्वेश्चन है डेंसपार्ट लिमिटेड वाला, दैट इज सेट नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन है 16, डेंसपार्ट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 गिवन है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा बोर्ड पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, सिंस इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, मैं इसका आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं। इसका फाइनल कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट आएगा दैट इज 7,500, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व में जो आंसर आएगा दैट इज 7,500। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका और अगले वाले क्वेश्चन का अगर पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा नंबर है 9929411361, हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है ना। डेंसपार लिमिटेड वाले का पूरा आंसर आएगा 7500, ठीक है। तो बस अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 का, मैं ऑप्शन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। मोहन विनय एंड नितिन आवर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:2, 1:3, 1:6, 3:2, 1 हो गया, और 31 मार्च उनका बैलेंस शीट गिवन है। हमको प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5% है, तो प्लांट एंड मशीनरी में 5% डेप्रिशिएशन लगा कर मैंने प्लांट एंड मशीनरी यहां पे लिख दिया। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियस रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर 4000 तो बाय 4000 कर दिया, उसका फाइनल कैश में एडजस्टमेंट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बैड डेट अमाउंटिंग टू 3000 का रिटर्न ऑफ एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल मेंटेन, यहां पे 2000 का हमने ऑलरेडी प्रोविजन गिवन है, इसके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट बनेगा, बैड डेट यहां से कट कर दिया, 3000 का ऑफिस मेंटेन करना है, 60000 का रिवैल्यूएशन में 4000 का हमने अगेन चार्ज कर दिया इसको, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म 180 पे वैल्यूड है और मोहन शेयर विल क्रेडिट टू अकाउंट बाय डेबिटिंग विनय नित्य अकाउंट, तो अपने को इसके अंदर
पार्टनर थे 48-32 और गुडविल का शेयर दोनों ने क्या करा, अगेन एडजस्टमेंट हो गया दोनों के अंदर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 90,000 है और नया रेशियो 3:2 है, तो 90,000 का मैंने बैलेंस निकाल के इन दोनों में एडजस्ट कर लिया। इसको अगर मैंने फाइनल सेटलमेंट किया, ये लॉस वाला एडजस्टमेंट करके रिवैल्यूएशन लॉस 3:2 आया, सब कुछ एडजस्टमेंट करके एम को लोन अमाउंट 212,000 ट्रांसफर कर दिया, एम लोन इधर लिख दिया और इंजन 626। ये सब एडजस्टमेंट अगर हम कैश के अंदर करेंगे तो कैश का फाइनल बैलेंस हमारे पास 3,000 आएगा, बिल रिसीवेबल 54 है और टाइम एंड बिल्डिंग 292 है, ठीक है ना। तो इन सब का जो फाइनल टोटल है दैट विल बी 5,20,000, रिवैल्यूएशन लॉस 6,000 है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है ना। 17 तो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला, ठीक है। तो होप करता हूं ये वाला तुमको समझ आ गया होगा। अब मैं 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं। लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, इनका बैलेंस शीट गिवन है। ये क्वेश्चन एडमिशन है 1/5 के लिए एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे तो पूरा सॉल्यूशन कर दिया मैंने, आप लोग ब्रीफ में पर उसको देख लेना पॉज करके, मैं क्विक वे में डिस्कस कर देता हूं। मोहन प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आ रहा है, इसमें नया पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है, आपको आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल निकाल के 5/4 करना पड़ेगा, क्योंकि 1/5 के लिए तो 5/4 के लिए टोटल कैपिटल आ जाएगा फर्म का, और टोटल कैपिटल फर्म का आएगा तो इसका जो कैपिटल आएगा वो 9250 आएगा, ठीक है ना। गुडविल का जो पेमेंट 80,000 आया वो इन दोनों में सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40-40 कर दिया, ठीक है ना। 10% ऑफ जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब जनरल रिजर्व 50,000 है उसका 10% प्रोविजन में डालना है, ठीक है ना। मतलब जनरल रिजर्व टू प्रोविजन, तो इनमें 45,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 45,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जनरल रिजर्व का, और प्रोविजन जो 2,000 का वो प्रोविजन 7,000 का आ जाएगा, 5,000 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं चल रहा है, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख दिया 40,000। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 60,000, स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ तो हमने टू स्टॉक स्टॉक कम कर दिया 16,000 से, ठीक है ना। देन लीना रोहित का बोनस का फ्यूचर रेशियो जो है 5:3:2 प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, तो अब तुम्हारा जो टोटल रिवैल्यूएशन का लॉस ऑफ 56,000 है दोनों के अंदर राइट ऑफ कर दिया हम लोगों ने, और फाइनल पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ये वो जो हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। ओवरऑल फाइनल टोटल क्या है, तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 619250 एंड 619250, ठीक है ना। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 2। अब जो मैं नेक्स्ट बोर्ड पेपर डिस्कस कर रहा हूं, डिस्कसिंग 67-2 पेपर नंबर डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी मैंने 2-1 डिस्कस किया था, अब मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो डिफरेंट है। जो क्वेश्चन सेम है मैं आके आपको क्वेश्चन सीरीज बता दूंगा, उस सेट वन में कौन सा क्वेश्चन है आप पीछे रिवाइंड करके वो वीडियो में चेक कर लेना। अब अगर मैं सेकंड बोर्ड की बात करता हूं, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, व्हाट इज मीन बाय रिजर्व कैपिटल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सेट नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, ये सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस क्वेश्चन नंबर 6 और सेट नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है किया एंड लीला पार्टनर वाला क्वेश्चन है, किरण वाज एस्पेक्टेड एज अ न्यू पार्टनर, ये सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जस्ट आप अगर रिवाइंड करेंगे तो मिल जाएगा। सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट दिनकर नविता एंड वनी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। अगेन आपको अवेलेबल है क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका पहले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट द पे नेम ऑफ एनपीओ एंड हाउ लाइफ मेंबरशिप बी ट्रीटेड, ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं, अ न्यू पार्टनर एक्वायर्ड टू मेन राइट्स इन द फर्म व्हिच ही जॉइंस, स्टेट वन ऑफ दीज राइट और हाउ डज द नेचर, ये ऑलरेडी डिस्कस है, दिस इज सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ये सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। दिस इज सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट ए बी एंड सी आर पार्टनर, ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नया है। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1, 31 मार्च को आपको गिवन है, फर्म ने डिसॉल्व कर लिया, उस दिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 4500 था, पास जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो आप एंट्री क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन, पहले एंट्री नहीं होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन, और वापस ये जो रियलाइजेशन का अमाउंट है दिस शुड बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन वापस एबीसी में जाकर क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन टू ए टू बी एंड टू सी, ये आपकी एंट्री हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो अमाउंट वुड बी 1800 1800 एंड 900, ये वाली एंट्री इस केस में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन तुम्हारा सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजेड लिमिटेड परचेस प्लांट एंड मशीनरी, मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 सेट 2 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन नया क्वेश्चन है, इसके अंदर द फर्म ऑफ पी क्यू एंड आर अर्न रुपी 4 लाख एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है और 9.8% है, ठीक है ना। तो आपको एवरेज प्रॉफिट 4 लाख गिवन है, आप 6 लाख का 8% करेंगे 48
वन दैट वुड बी 48,000 ठीक है ना. तो ये जो अमाउंट आएगा दिस वुड 3,52,000. अब हमको क्या बोल रहा है कि अब हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है गुडविल हमको कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट ठीक है ना. तो आपका जो आंसर होगा दैट वुड बी लाइक दिस गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100. तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 3,52,000 अपॉन 8 इनटू 100 गुडविल का अमाउंट आएगा आपके सामने दैट वुड बी 44 लाख. तो गुडविल का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 44 लाख का ठीक है ना. तो दिस वुड बी द अमाउंट ऑफ गुडविल इन क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज Now, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th है. WX लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर रुपी 10 ईच. कंपनी ने ऑफर किया 1,50,000 टू पब्लिक एंड 1,45,000 सब्सक्राइब हो गए. ऑल कॉल वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ रुपी 3 ऑन 5,000 शेयर. हमको शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है ठीक है ना. तो 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा 2 लाख शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख का हो गया. इशूड 150 एट 10 ईच 15 लाख हो गया. सब्सक्राइब में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 140 शेयर ऑफ 10 ईच 14 लाख हो गया. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 5,000 शेयर 10 ईच 50,000 है. कॉल इन अरियर 5,000 शेयर पे 3 हमने लेस कर दिया. टोटल अमाउंट 14,35,000 आ गया हम लोगों का ठीक है ना. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th का सोल्यूशन मैंने इधर करा हुआ है. 10th वाला इधर देख लेना एक बार आप लोग. नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको मेडिसिन कितना कंज्यूम हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट करना है. तो क्रेडिटर अकाउंट बना के मैंने पहले परचेस कैलकुलेट कर लिया. ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस 6 लाख गिवन है. क्लोजिंग क्रेडिटर 8 लाख गिवन है. मैंने पेमेंट 25 लाख का किया तो मेरा परचेस 27 लाख आ गया ठीक है ना. देन नेक्स्ट कंजम्पशन निकाला मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो नेट कंजम्पशन मेरा 20 लाख का आया ठीक है ना. तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 10th ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th. 11th में क्या है एल एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग 235 फ्रॉम 1st अप्रैल दे डिसाइडेड देयर रेशियो 1:2 मतलब चेंज इन रेशियो क्वेश्चन हो गया. दिस डेट पे बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड था पीएनएल जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो के अंदर ठीक है ना. दैट इज इन द रेशियो 2:3:5. डेबिट बैलेंस 35,000 था पीएनएल में तो एल एम एन टू पीएनएल ये हमने 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. देन नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म 5 लाख का वैल्यू था. गुडविल फर्म 5 लाख का था. हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया. M का गेन आ रहा है 1/10 N का सैक्रिफाइस आ रहा है. तो हमने नेट एंट्री कर दी M टू N फॉर गुडविल. एंड नेक्स्ट गिवन है रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ. तो गेन जो है वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द थ्री पार्टनर इन द रेशियो 2:3:5 ठीक है. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11th. नाउ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th. ये भी नया क्वेश्चन है सेट 2 के अंदर. मनिका रेखा एंड मोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 541. उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 का गिवन है हमको ठीक है ना. रेखा की डेथ हो जाती है 1 जुलाई को और पार्टनरशिप डीड पे ये सारा एडजस्टमेंट गिवन है ठीक है. तो मैंने पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है. रेखा के कैपिटल में हमको 4,50,000 का ओपनिंग बैलेंस है. उसका जनरल रिजर्व का शेयर हो गया. गुडविल का 1,20,000 का कैलकुलेशन आ रहा है. देन पीएनएल सस्पेंस पे 34,000 है और इंटरेस्ट कैपिटल 11,250 है ठीक है ना. और फाइनल रेखा के एग्जीक्यूटर का अमाउंट हो जाएगा 6,95,250 ठीक है. गुडविल का कैलकुलेशन पिछले साल के एवरेज 4 साल के हिसाब से होगा. एवरेज लोगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें उसका शेयर 120 आएगा जो अगेन इनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हमने कैसे बनाया आपको प्रॉफिट का बेसिस ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर गिवन है. उस हिसाब से हमने 34,000 कैलकुलेट कर लिया ठीक है ना. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12th सेट नंबर 2. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है एज वी डिस्कस इन सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 15. जो सेट नंबर 1 का क्वेश्चन 15 है दैट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 13. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th. ये क्वेश्चन नंबर 13th का सेट नंबर 1 है. मतलब सेट नंबर 1 के अंदर 13th क्वेश्चन देखोगे तो 14th और वो 13th सेम है दैट इज ऑफ एनपीओ ठीक है ना. फिर नेक्स्ट अगर मैं आता हूं दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें सेम कंफ्यूजन था रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन का. ये भी हम लोग सेट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14th ऑफ सेट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 14th है सेट नंबर 1 का 15th क्वेश्चन ठीक है ना. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th. ये क्वेश्चन नंबर 16th सेम क्वेश्चन नंबर 16th है सेट नंबर 1 का. देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है ना. कंपनी का क्वेश्चन है दोनों में सेम है. एंड कमिंग टू लास्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. तो 17 भी अगेन सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 17 है ठीक है ना. तो ये मैं ओवरऑल कंप्लीट होता है मेरा सेट नंबर 2. थैंक यू. अब मैं नेक्स्ट जो लास्ट कोड डिस्कस कर रहा हूं दैट इज 67:2/3 ठीक है. मतलब थर्ड सेट डिस्कस कर रहा हूं अब मैं. इसमें भी जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. मैं आपको नंबर बताता जाऊंगा. नाउ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन मेन एम ऑफ एनपीओ एंड लाइफ मेंबरशिप फी. ये जो क्वेश्चन है ये हमने सेट नंबर 1 में डिस्कस किया है. क्वेश्चन नंबर 3 सेट नंबर 1 के अंदर दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3.
नेक्स्ट दिनकर नवीता एंड वनी वर पार्टनर, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर फाइव. दिस वॉज सेट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर फाइव. नेक्स्ट किया एंड लीला आर पार्टनर वाला क्वेश्चन जो है ये सेट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर फोर है. दिस इज सेट नंबर वन क्वेश्चन नंबर फोर. नेक्स्ट वॉट इज मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड वॉट इज रिजर्व कैपिटल, ये अगेन सेट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर सिक्स है. दिस सेट नंबर वन क्वेश्चन नंबर सिक्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अ न्यू फर्म अक्वायर्ड टू मेन राइट इन द फर्म, उसका सेट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर टू है. दिस सेट नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:4:5. फर्म डिसॉल्व हो गई और उस दिन फर्म के अंदर 10,000 का लोन है विच इज गिवन बाय सीज ब्रदर एफ. सी एग्री टू पे हिज ब्रदर लोन. तो इसके अंदर आपकी जो एंट्री होगी, आपको एंट्री पूछी है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10,000 के अंदर, ठीक है ना. देन नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है. ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली शेयर कर रहे हैं. C को एडमिट, इन्हें E को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए. शेयर E ने कैसे एक्वायर किया, दोनों से इक्वल एक्वायर किया, तो दोनों से इक्वल 1/6 एक्वायर किया है, तो हमने यहां से लेस कर दिया, इसको एडजस्ट किया, तो नया रेशियो 33114 आया हमारा, ठीक है ना. अब हमको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है. गुडविल 3 लाख है, ई का शेयर 3 लाख इंटू 1/3 1 लाख हो गया, तो ई का एडजस्टमेंट 1 लाख टू डी टू सी, दैट इज 50,000 50,000. ये एडजस्टमेंट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 7 के. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. जेएन लिमिटेड विद रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर रुपी 100 ईच. कंपनी ने ऑफर किया 1 लाख शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. एप्लीकेशन 150 का रिसीव हुआ है. अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है ना. अब क्या गिवन है, आप ध्यान देना. अगेन अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, 2 लाख शेयर 100 ईच, ऑथराइज कैपिटल 200 लाख हो गया कंपनी का. इशू किया 1 लाख शेयर रुपी 100 ईच, 100 लाख का कंपनी का इशूड कैपिटल हो गया, ठीक है ना. देन नेक्स्ट सब्सक्राइब में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो 96,000 शेयर ऑफ रुपी 100 ईच फुल्ली पेड अप है, 96 लाख अमाउंट से. नॉट फुल्ली पेड अप है 4,000 शेयर ऑफ 100 ईच 40 लाख से. कॉल इन अरियर है 44,000 इनटू 20, 80,000 कॉल इन अरियर है, तो नेट अमाउंट आया 39,20,000. इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिखेंगे तो दिस वुड बी योर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, ठीक है ना. देन नेक्स्ट अगर मैं आता हूं, दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेम है व्हाट वी आर डिस्कसिंग सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8. सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेट नंबर 3 सेम है. क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. हमको ये निकालना है. कैश परचेस का वैल्यू 6,000 गिवन है. क्रेडिटर अकाउंट बनाया है. दिस इज अकाउंट दैट इज क्रेडिटर अकाउंट. ये क्रेडिटर का अकाउंट हमने बनाया है. इससे हम लोगों ने क्रेडिट परचेस कैलकुलेट कर लिया है. टोटल परचेस 41,000 आया. कंजम्पशन इज ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. तो दिस इज माय कंजम्पशन दैट इज 26,000 इज माय क्रेडिटर्स कंज्यूम हो गया है. 10th का एक सॉल्यूशन, ठीक है ना. नाउ स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. सतीश एंड तरुणा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:3. नया रेशियो इनका 1:1 है. हमने गेन सेक्रीफाइस निकाला. 1/10 सेक्रीफाइस है सतीश का, तरुणा का गेन है, ठीक है ना. अब हमको क्या बोल रहे हैं, जनरल रिजर्व चल रहा है 35,000. जनरल रिजर्व को हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इन द रेशियो ओल्ड रेशियो. फिर 40,000 और बढ़ा दिया और ये जो लॉस है दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट से हमने चार्ज कर लिया, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, गरिमा हरीश एंड रीना पार्टनर्स हैं. हरीश की डेथ होती है. अमाउंट पेबल 90,000 है, ठीक है ना. एग्री हुआ कि रिमेनिंग पार्टनर हरीश एग्जीक्यूटर विल पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट. इंटरेस्ट 18% से और 31 मार्च 2015 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना. तो हरीश कैपिटल में डाल दिया 90,000. इंटरेस्ट अब इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है 22,500 की. पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 1 साल के बाद, तो बाय इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 90,000 18% 16,200 हुआ. 2 बैंक का पेमेंट हो गया. बैलेंस कैरी डाउन हो गया. अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन किया. इंटरेस्ट का पेमेंट इसके ऊपर 18% हुआ. टू बैंक हमने ये वाला अमाउंट और इंस्टॉलमेंट पे किया और क्लोजिंग बैलेंस हो गया. इसी तरह अकाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ये क्वेश्चन सेट नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना. सेट नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 था ये. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 जो है तुम्हारा, दैट इज ऑफ नवीन कादर एंड राजेश. ये भी हम लोग सेट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 15 इन सेट नंबर 1. कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज ऑफ जेम्स क्लब एनपीओ वाला क्वेश्चन है. दैट इज सेट नंबर
1, question number 13. Ye set number 1 ke andar question number 13 hai. Then coming to next, that is question number 16. Mohan, Vinay tata and Nitya. Ye wala question hai, Mohan, Vinay and Nitya. Ye set number 1 mein question number 17 hai. This is set number 1, question number 17. And coming to last question of this set, that is question number 17 jo company ka question hai. Ye bhi hum log discuss kar chuke hai. Ye set number 1 ka question number 16 hai. This set number 1, question number 16. ठीक है ना? तो गाइस ये पूरा सेट सारे मैं कंप्लीट करता हूं. दैट इज वी हैव डिस्कस्ड 6711 6712 6723. ठीक है ना? तो होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक्स ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. थैंक यू.